अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद अली सुमल और आप देख रहे हैं अली टीवी। तो दोस्तों, आज आपको मैं दो एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर पर मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी है एप्लीकेशन हैं। मतलब मुझे तो ये पसंद है, काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं ये ऐप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तो जश्न आज़ादी है, तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, उसके बाद जुम्मा मुबारक हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। वो दो एप्लीकेशन आपको मैंने दिखानी है, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, लेकिन उनके फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है, उसका नाम है शज़ैम। शज़ैम एप्लीकेशन का यूज़ ये, मतलब आप लोग कहीं पर जाते हो शादी वगैरह पे, या आपको कोई सॉन्ग पसंद आता है, कहीं पर प्ले हो रहा होता है, वो आप लोगों ने सॉन्ग सुनना होता है अपने मोबाइल पे, या ना आपके सॉन्ग कवाली कोई भी ना, तो आपने वो सुनना होता है, लेकिन आपको उसका नाम नहीं आता होता। तो इसके लिए ये एप्लीकेशन ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको अगर किसी सॉन्ग का नाम नहीं आता, आपने वो सॉन्ग सुना है, एक दफ़ा आप उसमें सॉन्ग प्ले करेंगे या उसका आपको नाम बताएगा, उसके लिंक तक ले जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी इसका यूजेज चेक कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वो पिछली जो ऑडियो थी वो म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि उसमें पहली बात तो ये है कि उसमें सॉन्ग आ रहा था और कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत ख़तरा था, और दूसरी बात ये है कि जब वो एप्लीकेशन ओपन थी तो वो माइक नहीं यूज़ करने दे रही थी, मतलब मैं आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा था। बदल आप चेक करें, सिर्फ उसको एप्स को थोड़ी देर दबाना है, जो सॉन्ग आपने प्ले करना है उसको माइक के साथ लगाना है, यहाँ पे उसके सॉन्ग का नाम बता देगा, उसका लिंक बता देगा, ये आप चेक कर लेना। अभी मैंने कॉपीराइट की वजह से वो ऑडियो नहीं प्ले कर सका, इसलिए सॉरी। और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है डिवाइस इन्फो, ये वाली एप्लीकेशन है डिवाइस इन्फो। तो ये आप लोग ओपन करेंगे, इसमें मतलब आपको मोबाइल के मुतालिक, अपने मोबाइल के मुतालिक जितनी जानकारी चाहिए वो सब मिल सकती है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं इसकी रैम रोम वगैरह सब कुछ, और उसका मेमोरी कार्ड वगैरह, उसके सीपीयू स्टेटस वगैरह, मतलब सीपीयू इसका आठ कोर में डिवाइडेड है, 8 कोर है, कोर टू कोर जिसे कहते हैं, यहाँ इसके डैशबोर्ड में ये बता रहा है। उसके बाद इसको डिवाइस में, इस डिवाइस का नेम, मॉडल, मैन्युफैक्चर, डिवाइस बोर्ड, हार्डवेयर, ब्रांड, डिवाइस टाइप, एंड्रॉयड डिवाइस आईडी, EMAI, ये जो ग्रैंड परमिशन है, यहाँ पर अगर इनको परमिशन दोगे तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद ये सिस्टम में बता रहा है, मतलब ये 9 पाई है, एंड्रॉयड 9 पाई है, इस तरह से ये सारी, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज, जावा, कर्नल, ये सारी लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई हैं। और यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, सिस्टम अप टाइम, मतलब आपका सिस्टम कितने दिन हो गए हैं, पावर ऑफ या शट डाउन या रीस्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू में ये वही बात के कितने कोर्स हैं आपके सीपीयू के, ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह। तो इसके बाद ये बैटरी मतलब हेल्थ, बैटरी की कैसी है, बैटरी आप लोग कैसे यूज़ करें, एक दो तक चार्जिंग लगा के यूज़ करो तो यहाँ पे हेल्थ पुअर आती है। उसके बाद बैटरी लेवल, पावर सोर्स, टेक्नोलॉजी, टेम्परेचर बता रहे हैं मोबाइल का, वोल्टेज बता रहे हैं। उसके बाद है डिस्प्ले में यहाँ पे रेजोल्यूशन बताता है, डेस्टनी बताता है, फॉन्ट स्केल बताता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद मेमोरी सिंपल सी है। उसके बाद कैमरा वगैरह, आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, ये सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद है थर्मल, उसके बाद है सेंसर, 5 सेंसर अवेलेबल हैं इसमें,
ये आपको शो कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं आपके मोबाइल का। अभी मैं यहाँ से एक फिंगरप्रिंट का टेस्ट दिखा देता हूँ। फिंगरप्रिंट, ये फिंगरप्रिंट वर्किंग में है। उसके बाद माइक्रोफोन, हेलो हेलो, माइक्रोफोन वर्किंग में। फ्लैश लाइट चल रही है, तो ये भी वर्किंग में है। मतलब ये इसका टेस्ट वगैरह कि इसकी क्या क्या चीज़ चल रही है, क्या क्या चीज़ नहीं चल रही है। तो ये दो एप्लीकेशंस थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और यार प्लीज़ 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 लाइक करना, बहुत बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो। पंखा भी बंद किया हुआ है ताकि आवाज़ ठीक जा सके, और पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है। तो प्लीज़ लाइक कर देना और जल्दी से जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो। थैंक यू। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है, इसलिए काफ़ी नर्वस भी हो रहा हूँ, पसीने भी आ रहे हैं, पंखा भी बंद है क्योंकि माइक क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात कि अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 1K सब्सक्राइबर, तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक वीडियो अपलोड करूँगा टिकटॉक के मुताबिक। मतलब कि आपको टिकटॉक पर 100 to 200 फॉलोअर्स एट अ डे, एक दिन में 100 to 200 फॉलोअर्स आपको मिल सकते हैं टिकटॉक पर। अगर ये 1K मेरे हो जाते हैं सब्सक्राइबर यूट्यूब के, तो वो वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और उसमें कोई इलीगल चीज़ भी नहीं है, कोई हैकिंग नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है, वो आप लोग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे पास आ रहे हैं 100 to 300 तक तकरीबन मेरे पास आ रहे हैं फॉलोअर्स एक दिन में। इस हिसाब से मंथली आपके वो बन जाते हैं 3000 to 5000 मंथली फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो अगर ये 1K हो जाते हैं सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल पर, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।